अरे उन शहीदों की माला पिरोती रही, उन शहीदों में सरताज ऊधम रहा, सैर के घर में घुस के शिकार किया, भाग चलिया का बदला चुका ही लिया, चाक लंदन में टायर पवार किया। जलियान वाले बाग की कहानी सबको पता है भैया, बाबू शांति। जलियान वाले बाग की कहानी सबको पता है। जलियान वाले बाग में दो तीन चार पांच दस बीस नहीं, 2500 लोग बैठ करके जलियान वाले बाग में गुप्त मीटिंग चल रही थी कि एक तरफ बंगाल से बाबू सुभाष चंद्र बोस ने ललकारा है कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, इलाहाबाद से चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल हुंकार भर रही थी छोड़ दो भारत वरना कलेजे में बारूद भर दिया जाएगा, तो जलियान वाले बाग में 2400 2500 लोग बैठ करके गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं कि आखिर यह क्रांति ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। एक दलाल निकला और भाग करके गया जाकर के थाने पे, जनरल डायर, अंग्रेज जनरल डायर से जाके कहा कि सरकार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग भड़का रहे हैं बैठ करके जलियान वाले बाग में, घोड़े की सवारी की आप 8 सिपाहियों को लेकर के जलियान वाले बाग में, जो भाई गए होंगे देखे होंगे, जो नहीं गए होंगे मैं अपने आंख की देखी बात बताना चाहता हूं। 4 साल पहले मेरा कार्यक्रम था अमृतसर में, घूमने गया था, रोड से एक पतली गली, जैसे ये घर का दरवाजा है ऐसी ही पतली गली रोड से अंदर जाती है, अंदर जाएंगे तो करीब करीब 10 बीघे का मैदान है, निकल जाए का रास्ता एक ही, आए आवे का रास्ता एक ही। चल दिया घोड़े पर सवारी करके वह जनरल डायर, कव्वाली का तर्ज लगल जो उन बिरहा में एह साल नया शुरू कर ले, सुनला लगन सुरेंद्र भाई कहलन कौनो कवि जात रहला मेला में, एक लाइन लिखल एक लाइन रिक्शा वाला जोड़ दलस, वो रिक्शा वाला भी नहीं के बुद्धि कर रहा हुई, वो बेचारा बढ़िया से उस लड़की के रूप रेखा भाव भंगिमा का चरित्र चित्रण किया कि झरोखे से झांक रहा है चांद का टुकड़ा, रिक्शा वाला जोड़ के पूरा कदलस, वो खिस्सा कहले है कि ट्रेन में दू जाने बैठल रहा, एक जाने कहला कि हम शायर हैं, कहा है आप, तो मारे लाजन कहला कि तो हम भी थोड़ा सा शायर हैं, हुआ ना या जोड़ लगावे में दुनिया परेशान है, कहा कुछ शायरी हो जा, कहा है आप कहिए, कहा तब खुदा जब हुस्न देता है तो सोहरा हो ही जाता है, आगे आप बोलिए, तो कहला ये कौन बात है, एक बार और पढ़िए, का खुदा जब हुस्न देता है तो सोहरा हो ही जाता है, तो जो सुरेंद्र भाई मतिन बैठल रहल वो कहल कि तब गोबर पाथ देते हैं तो गोहरा हो ही जाता है। हमार बिरादरी बहुत सीधा है, धोखा खा जाले हमार बिरादरी धोखा देत नहीं, वो में काठे होऊंगा बदमाशवा, लेकिन 100% द्वापर युग से लेके अब तक हमार बिरादरी धोखा खा जाले। ए सैदपुर के पजरे थे जोखू अहिर हुवन और उनके बगल में विश्वनाथ बाबा पंडित हुआ, घर दोनों जाने का अगल है बगल है, भैया बोला मत यार तो परेशान कर जला लोग एकदम, का दिक्कत होके का परेशान करी, अब वहां से आप हटबा तो वहां दूसर के हो जाई।
का जोखू अहिर का घर या विश्वनाथ पंडित का घर अगल बगल हो। पंडित आई निकल घर में से तो कहा कि ए जी चली आई जेल आई बीजे कले आई तनी भोजन कले प्यार से आ जो खूब का कहा भीतर से खाना बन गया अब हुरला हो अब ठूसला कला सोच बोलता भकोस का है ना लेता बड़ा दुखी हो जोखू अहिर कहना कि पंडिताई ने इतना प्रेम से कहने की ए जी आई जेल भोजन तैयार बा रुआ आई खा ली साला नहीं भूख लगल रही तो दुकोर खा ली और वही जब बना के मोटकी पानी वाली लिट्टी एक बाल्टी दूध रख के चोखा चटनी अहिरन का मेन खाना दूध चाहिए कुछ मिले चाहे ना तब में अब तो लपट गल हूं दूसरे चीज पर वो का नाम दवस है वो की छोड़ा हटा तब अब बड़ा चिंतित हो गए कहना कि रोज ऐसे वो कहने की आई जेल हर रोज कहले आवा हुरला आवा ठूसला एक दिन जोखू कहना कि तनी कबो हमहू के प्रेम से बुला के खिया देती बाबा इन मतीन कहा कि उनके घरे बढ़िया बढ़िया बना ला तोरे घरे न पीढ़ा है न तोरे घरे बढ़िया खाना कह जाओ न है वह प्रेम से बोला खिया ना भाई एक दिन आके देखा था केहू बारवा प्रेम से दो शब्द बोल देवी तो घरवा में चाहे जैसे मन कर वैसे दू कलछुल मार के खेबू तब वो खाई कहा ठीक है खाना वाना बनौलस बेचारी अपन सिस्टम भीतर का ठीक कर दलस अब अही बाबाइन कही के अही बाबा के बोला वही कही तो सबसे पहले जो खूबे पहुंचे ली कल की आई जी जे ली हसला छाती फुला के जो खू अहिर तखल पंडित जी को तकत और जात हूँ याद हमारे बाजी बीच घर में अंदर गई ना तो पीढ़ा तो बाना दूगो गोईठा जोरिया के धल है कहीं कहा कहना यह पीढ़ा पीढ़ा जान के यही पर बैठा बैठी जे कल अब घरवा में जैसे मन करो ऐसे बोल खाना लिया के आगे धैलना जो खू जो वहीं बैठत हो जे वह आ तौले टांग का दोनों बीचे अभी तैसे बैठल हो गुहरा पर अतलो में बिछी रह टन से मार गल कूद गई ना एक पोरिसा कहना करे को हरवा में आग है का मार भर घरे दौड़त हुआ कहीं पानी लेके तो बिछी तले टुन 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 बिछी भागल जाते बहरे निकल के ना जाके विश्वनाथ बाबा के गोड़ पर गिर गई ना कहना ये बाबा ये हमार हुरल के लिख बा तू इतना मेहनत से रोज जेवत हो बा ना हमारे बस का ना है तो जैसन जब तैसन क्रांतिकारी जवानों का हौसला बुलंद था सवाल शेर के बाद तो सुरेंद्र भाई देखा अंतर इतना 10-15 को देशकट बनले से नीख है एक ठेमुर्रा बांध दे देसावर रात भर में 20 को शेर कहबा एगो कह 200 के ही छोपत रही एगो खाली कह बुलबुलों के पंखों में बधे कभी बाज नहीं रहते बुलबुलों के पंखों में बंधे कभी बाज नहीं रहते कायरों के दिल में छिपे कभी राज नहीं रहते सर झुका के चलने की आदत पड़ जाए जिस इंसान की तो ऐ सुरेंद्र भाई उसके सर पर कभी ताज नहीं रहते ये बात गोले विश्वकर्मा जी बात कहा एक का जोने का मतलब निकला रात भर खून जाए तो भाग गल्ला कोनो मतलब है नहीं होकर हम मत कहे मैं उनका दोहरावत थी का करी जितना ज्यादा से ज्यादा ही नॉन वेज रात भर में बोल गलना अरे नहीं नहीं क्वालिटी है खबरदार उस पर अंगुली मत उठाना उस पर अंगुली मत उठाना और ये तुम पीर छोड़ना मत जहिया पीर छोड़ला की हर जोत के पड़ी घरे कहीं यहाँ वेराइटी दूसरी है तलवार चली चाकू चली बंदूक चली गोली चली ना चली तो बोली चलवे करी 100 रुपया पुरस्कार गोले विश्वकर्मा जी बहुत बहुत प्रणाम ठकवाली के तर्ज बाय एक लड़की हमसे सवाल कैलस कि मैं नाजे हुस्न हूँ क्या हूँ मैं नाजे हुस्न हूँ तू मेरा एहतराम करो मैं नाजे हुस्न हूँ तू मेरा एहतराम करो
जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। तो हम जवाब दे रही का कि तुझे सलाम, कि तुझे सलाम करेंगे मगर एक काम करूं, कि तुझे सलाम करेंगे मगर एक काम करो, तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो, तू अपनी मस्त जवानी। सुरेंद्र भाई जब गावत रहो तो एगो लाइन हमारे मन में आई, क्या कि चढ़ा दो सूली और गले डाल दो जंजीर भले, चढ़ा दो सूली और गले डाल दो जंजीर भले, अरे वतन की लाज बचाने वतन के तीर चले, वतन की लाज बचाने वतन के तीर चले, वतन की धरा की गोद में अरे रणधीर पले, के धरा की गोद में रणधीर पले, अरे वतन की लाज बचाने वतन के तीर चले। ₹100 का पुरस्कार इस लाइन पर हमारे छोटे भैया बहुत ही सुंदर कलाकार चुनार के धरती से राजेश कुमार यादव जी, भैया के बहुत बहुत प्रणाम। उमेश भैया के, भैया उठ बैठ बीच में न रहे, 15-20 मिनट एकदम आप लोग बैठल ना, गाना खत्म हो जाए उधर के जब 7 बजे तब आप लोग हिल डुल करें, ऐसे का हुई कि उठले से थोड़ा गाना का रस थ्रो खत्म होला। अरे कदम कदम पर जो बलिदान को दिखाता है, सही है। अरे कदम कदम पर जो बलिदान को दिखाता है, वतन उसी का जो वतन के काम आता है। सन 1919 में बैसाखी मेला था, बाग जलियान में भारी हुआ झमेला था, निहत्थे लोगों पे टायर गोली चलवाया था, निहत्थे लोगों पे टायर गोली चलवाया था, खून से अमृतसर के धरती को नहलाया था, 7 वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था, बाद में गोली खाते बाप को निहारा था। खाया कसम पीछना दिखाऊंगा, मुल्ला खाया कसम पीछना दिखाऊंगा, बाप का बदला सबना टायर से चुकाऊंगा। जरा भाव को समझ लें, 2400 लोग बैठ के, जैसे आज आप लोग बिरहा सुनत हूं, जलियान वाले बाग में बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, तब तक देश का एक गद्दार जाकर के जनरल डायर से कहा कि क्रांतिकारी जवानों में आग फूंकने की तैयारी चल रही है जलियान वाले बाग में। 8 सिपाहियों को लेकर के जनरल डायर आकर के जलियान वाले बाग में घुस गया, घोड़े से उतर करके पोजीशन ले लिया और कहा कि अरे हिंदुस्तानियों, तुम्हारी ये जरूरत फायर, जो वही आदेश किया फायर, तड़तड़ 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 गोलियां चलने लगी। ए भैया जे के गोली लगलते तो मरी गयल, जे भागे में एक बहुत बड़ा कुआं रहल ओ कुआवा में कूदल उहो मर गयल, लेकिन अपने पिता के साथ एक 7-8 बरस का बच्चा आया है, पंजाबी मुंडा है, नाम उधम है,
और अपने पिता सरनाम सिंह के साथ खड़ा है। सरनाम सिंह के सीने में गोली लगी, जब गिरने लगे तो अपने बेटे को अपनी ही शरीर के नीचे दबा लेते हैं, पूरा खून में रंग करके जलियान वाले बाग को चला गया जनरल डायर। धीरे 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 लाश के नीचे से घसकते हुए बाहर निकला वह 8 वर्ष का बालक, खड़ा होकर के और जलियान वाले बाग की रंगी हुई खूनों से धरती की ओर देख रहा है। मन में क्रांति की आग सुलग गई है 8 वर्ष के ही उम्र में। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की, आम मन नहीं लगत बा, भाग करके गया भैया भगत सिंह के खेमे में, जा करके आवाज दिया जय हिंद। भगत सिंह ने भैया 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 बाबू भैया बाबू भैया 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 इधर देखा इधर देखा इधर प्लीज प्लीज जय हिंद। भगत सिंह ने कहा जय हिंद, कैसे आए हो जवान? का देश पर मरना चाहता हूं। ख्वाहिश क्या है? का जनरल डायर को मारना चाहता हूं। खखा के हंसला भगत सिंह, कहना कि ये तुम्हारी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी? धीरे से और पीछे से खींच ला भैया, पीछे से जाके कहे तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि जनरल डायर नहीं है। कहां है? चला गया अपने देश अपने वतन अपने मुल्क लंदन में चला गया। वहीं से भाग करके अमृतसर स्टेशन पर आया और एक ट्रेन लगी है और ट्रेन में जाकर के बैठा। 36 घंटे की रफ्तार पूरी करने के बाद जब ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर रुकती है तो वो जगह कौन है जरा गौर करेंगे। हमारे सुरेंद्र भैया अनपरा, आपके साले अमरजीत भैया की ओर से ये 100 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। वाह 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 वाह। खूनावा का प्यासल अरे उधम सिंह मनावा बिरवारी अरे घूमत पहुंचल बंबई सहरिया बिरवारी। बंबई उतर गया उधम सिंह, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया है। नौजवान लड़का बा बिरहा, आप लोग बहुत सुन ले होइन, जरा ये बिरहा के लुप्त उठेहन। बंबई पहुंचा तो बंबई में एक जगह बा जहां लोग अपन समय बिता लेलन। कौन जगह? जुहू। वहां कम कम कपड़ा पहन के कुल लड़की घूमेलिन, यार कुछ ना, यार खाली दूठे डोरी उकरे नीचे ना बता पाई कुछ ना। वही आके बैठल समुद्र के किनारे, समुद्र के पानी में रोरी फेंका था, कैसे जाई कैसे मारब कैसे जाई कैसे मारब। अब भैया बंबई जाए के बालंदन, तब तक समुद्र के पानी में क्या देखा कि धन पतरा वसेत करे खाया का कुमारी सागरे में आई अरे ग्वारी लाई कन्यावारिया। देखे ना उधम सिंह खोल के नयन में बिरवारी सगर में मार किल करिया। एक लड़की है समुंदर का पानी, पानी में नौका नैया में लड़की, लड़की पर जवानी। उधम सिंह देख रहा है यार कौनो मला भी ना है खेवा वाला, अकेले नैया बोर्ड लेके अपन सनसन सनसन समुंदर में उड़ो थे। मने मने सोचत हंसराजपुर गाजीपुर के बलिदानी धरती से श्री पलटू यादव जी आपकी ओर से 200 रुपये पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। भी रहा मैं बहुत दर्जा आप लोग सुनला सुनला लोगन मेहरारू कुल गावे ली आज गीत में तमाम तमाम गीत पदौड़ा तमाम तमाम गीत गावे ली जैसन जहां का भाव वैसन वहां का गीत। जब दुअर पूजा लगे लगी तो एक बात और सुनला लोगन,
हमारे भाई कहलन थोड़ा जज्बाती और थोड़ा मंद बुद्धि, कहलन इलिम फिल्म का कनिका करीला हम, का कहले बा। ऐसे एगो गीत ख्याल पर जाले कमो कमो कहिला कि कहल कुछ केहू से अनेर बाहे राजा जी, अब मनवा का मुखिया लोग ढेर बाहे राजा जी। कभी जी भाव निकलन है, तमाम तमाम गीत बा माता बहिन लोगन का गीत, जहां का जैसन भाव जैसे बारात लगा लगी बाजा बजा लगी, पहलवा द्वार पूजा पर बजे बाजा धो 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 बजे परछावन पर एक लकड़ी बजबे करे। आजकल तो डिस्को कुल चेंज हो गया, कुल अपन बेंजो जो कुल कुल कीबोर्ड और बजत है। अब मेहरारू कुलो समय गावे सो हथिया हथिया सोर कैला गदहो नाली ऐला हो, हथिया हथिया सोर कैला गदहो नाली ऐला हो, ए ससुर का बेटावा मर गौर लूट ऐला हो। खास तौर से ही हमारे गाजीपुर का प्रसिद्ध वो जब पिड़िया गोरत का दूसर गई है, आज जब गहना चढ़ लगी तो सुनला कि आजकल गावत हैं जरा टारच दिखाओ, मैं डाल देखूंगी जरा टारच दिखाओ, वही जाई होगा वाला टीका वाली आईला बासुर डिबिया में मुनि के होली के देखावा, नहीं तो गारी दे बो चुनी के। इथे गांव में बारात आई लल दोनों ओर से ब्याह जमजमायल बाय, दोनों ओर का पंडित जी अपने में लड़ल बाड़े, कन्या पक्ष का पंडित जी बगल ये कर रहा वाला हुआ तनी पुरान हुआ, आ बर पक्ष का पंडित जी नया बाड़ा उल्टा टंकी वाला, दोनों ओर लड़ गई बा जैसे गंगा जमुना जल धारा जा चल रहे यही वास तुम्हारा, बर कन्या चिरंजीवी रहा जजमान जल जी दक्षिणा बढ़ावा। दोनों का पंडित जी लड़ गल हूं अपने में, कन्या पक्ष का पंडित जी बगलिए में घर है, एक छुनुई धोती आ यहाँ ले गंजी पहिर के, गर्मी का दिन एकदम धुआंधार बेशुमार गर्मी, अपन पढ़त हुआ तनको हर का पंडित जी गड़बड़ सलबक होता डांट दे कहा खबरदार रास्ता मत छोड़ा पैरा से चला, गबर गबर पढ़त वाला हाई छोड़ के हुआ कूद जाता तू बुजुर्ग हुआ ज्यादा ज्ञान बा। बारात का घरात मालिक अलग कहना ये भाई हाई पंडित जी लोग इतना परेशान है रे, फराठा वाला पंखवा जो हाउ बा टेंट हाउस वाला कहा अरे लिया के लगा दसो, एगो लड़का अगर लिया कोई पंडित जी की अगर एक छिनुई धोती पहले वहां गंजी, एक छिनुई का मतलब खाली धोती नीचे कुछ ना, ये सच्चाई है कहानी ना बताओ थी, लिया कोई पंडित जी की अगर पंखा कह के हाथ पलक जोड़लस बान के हवा चल धोती उड़ी गई, गुप्त अंग पंडित जी का लौक लगल, या अपन पढ़त हूँ अपन जैसे गंगा जमुन जल धारा, और ध्यान देता हूँ मेहरारू यह शुरू कैले बानी सो टीका वाली आईला भासुर डिबिया में मुनि के। आ तौले एक ठौरी का नजर पड़ गई, कुल मेहरान को चुप कर धर चुप रहा अपन ही के और का पंडित जी, अरे यार इनका तो धोत पढ़ा देख यूं में हमारे बात में कोनो भाव प्राण शिक्षा पढ़ल लिखल लड़की है, अनपढ़ रहत गवार रहत हैसन तो उठा के एक पुरवाई पे फेंक दे, पढ़ल लिखल लड़की है चुप 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 अब कैसे का कर जा पंडित जी पढ़े में व्याकुल वाला केहू को नजर ना जाते, एक लड़की जो गावत है वही को नजर पड़ गई है, कैसे बताई तब देखा आप जोड़ो थे प्राण शिक्षा पढ़ावल बिटियन की जरूरी है चाहे बेटा हो या बेटी हो, पढ़ल लिखल लड़की है का गावत है कि पोथी है बाचे में पाड़े गई ना भूलाई हो, अभीतर का सामान कैसे बाहर गई नी आई हो। आज जब दूई पैर गौलस तो पंडित जी का नजर गए कहना है तो पिला मल्ला सावा फिर वो पथ हो आशीर्वाद लमो से धरना कहना शुभ आशीर्वाद कन्या, आशीर्वाद बिटिया के दहल जरूरी है का देत हूँ
धनी बाड़ू बाछी ले हलुई जाता बाचाई हो आजा जईबू बुची ऐसे लमार भेटाई हो। अब आप लोग गलत जगह पहुंच गए वाला, हम वहां नहीं थे ना, हमारे अर्थ हो ना आप लोगन के सुने में तनी अटपटा लगल होई। ना ना ना, हरदी या बात भोजपुरी में जहां सटैबा वही जा सट जाई। ऐसन कहीं तो वहां बहुत आदमी हुआ उनका सुमंगली पढ़ दी, उनका कह का मतलब कि आज को दुल्हा कुछ नाटक कद कबा, जहां जेबू बेटी ऐसे बढ़हर दुल्हा तो के मिली। अब तो हम लोग मेन बतिया पर सुरेंद्र वाली जगह पर पहुंचल बड़ा लोग, तो वहां तक ही है जा सकल हम। गोले विश्वकर्मा भैया के ओर से पुरस्कार हमरे राजन यादव दीवान साहब शायदपुर भितरी गाजीपुर के ओर से चरणों में प्रणाम। अमरजीत है, अमरजीत यादव की जीजा भाई सुरेंद्र यादव जी के द्वारा पुरस्कार 101 रुपया बहुत बहुत प्रणाम हो। और हमारे गोले विश्वकर्मा बारे गोले भैया बहुत बहुत प्रणाम भैया के सब इनके प्रणाम हो। तो बात वहां छूटल है, बात न छूटल, बिरहा का मेन भाव कहानी होले, आ करके ट्रेन से उतरा, भाग करके पहुंचा जुहू पे और जाके समुंदर के किनारे बैठ करके समुंदर के पानी को देख रहा है कि हे ऊपर वाले मारना है। हिम्मत मर्द और मदते खुदा, सीने में हिम्मत है तो कोई मंजिल पार कर जाओगे, पहलवान अगर हिम्मत हार गई तो वही हार हो जाले। तो समुंदर का पानी, पानी में नैया, नैया में लड़की, लड़की पर जवानी, बहुत खूबसूरत लड़की है वही में झिझिरी खेलत पाए अकेला हो। तो कभी भाव लिखते हैं, हरे लहर मारे हो लहर मारे जवानी पानी पीछे ना, राजकुमार यादव जी यादव महासभा के जिला सचिव रेणुकोट में आप सर्विस कर, आप महोदय की ओर से 501 रुपया पुरस्कार चरणों में प्रणाम। चुनार घर हो भैया के प्रणाम पहुंचे 100 रुपया के कर। अच्छा 100 रुपया पुरस्कार मिलल कोई भाई कर हल प्रणाम हो। समुंदर के पानी, पानी में नैया, नैया में लड़की, लड़की पर जवानी, लहर मारा जवानी पानी बिचल, पानी बिचल, पानी बिचल, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मौसम तूफानी पानी बिचल। अरे यार ये लड़की कर क्या रही है, कोई है जे जात बा उससे पूछा था वो उधम सिंह का था, रे कोई है लड़कियों को बचाओ यार। बगलिया वाला कुल कहां गए, रे पागल है क्या रे, चल चल आगे बढ़। ये तने में का भयल तो न सागर में रेखा की डूबी देवरिया, एकाएक स्टेयरिंग मोड़ती है ना नैया पलट गई तो सागर मेरे खा की डूबाली नवरिया, और बागी उधम सिंह की पलाली नजरिया। डूबे लड़की सयानी पानी बिछा, पानी बिछा। अरे लड़की डूब रही है यार, कोई है बचा। सब लोग कहते हैं सब अपना यहाँ जान बचाते हैं, बंबई है मेरी जान। मन सोच रहा है उधम सिंह, मन सोच रहा है उधम सिंह लड़की को बचाने जाऊंगा, डायर को कैसे मारूंगा जब बीच में डुबकी खाऊंगा, कूद जाऊं बचा लूं लड़की को। फिर सोच रहा है ना बाबा ना,
सुनीला की डूबा वाले के जे बचाव जला वही के धके चापाला चपलस वही में मर जा तो डायर के कैसे मारे। फिर बागी दिल ललकार कहा, फिर बागी दिल ललकार कहा, और फिर जो हिम्मत हारोगे, अरे एक लड़की नहीं बचा सकते डॉलर को कैसे मारोगे। समुंदर के थोड़े से पानी में एक नन्ही सी जान की हिफाजत नहीं कर सकते हो, सात समुंदर पार करके डायर को मारने की सोच रहे हो। झटकूट पड़ा है उधम सिंह, मरब चाहे झटकूट पड़ा है उधम सिंह, लड़की को पीठ चढ़ाया है, खा करके थपेड़ा लहरों का उधम किनार पर लाया है। जब तक पत्तायर के गयल तब तक की धनपत राव सेठ का बिटिया रेखा पानी वानी पी के फूल गई लहर, अब एक बार नीचे जाते एक बार ऊपर जाते, वही लहर के साथ जब लहर आवे तो इसमें ऊपर हो जा फिर गोता जा, जा गया झोंटा धल दस, खींचते खींचते पानी बड़ा जोर लगेला, खींचते खींचते किसी तरह किनार पर लाया, और किनार पर लाया तो बालू के रेत पर लेटाया, और जब वहीं लेटाया तो फेफड़ा सूख गया, कलेजा सूख गया, धड़ाम से रेत के बगल में लड़की लेटी हुई है, उसके बगल में धड़ाम से उधम सिंह भी गिर गया। गयल हुआ डायर के मारे, यहाँ जो नौ लड़की बचाओ थू, लेकिन आए है लेखनी तीन किस्म का होले, समेट घसेट लपेट और एक टारगेट, ये टारगेट हो जरा गौर करेंगे, कवि ने भाव लिखा है गिरे हैं दोनों बालू के रेत तो कहना है। हमारे गुड्डू यादव भैया शक्तिनगर से 100 रुपया, रहटा के धरती से अमरजीत सिंह यादव सेक्टर प्रभारी महोदय की ओर से 100 रुपया पुरस्कार, चरणों में प्रणाम, सब इनके प्रणाम, भाव देखें कितना बढ़िया हो। अरे तसोया सूरज की बिमल एक, कवि ने सूरज की उपमा किसको दिया है, उधम सिंह को, क्या सोया सूरज एक मोरी बिमल एक और जारिया मालिक है कौन, धनपत राव से आया गाड़ी लेके महंगी गाड़ी, और वो अपने बेटी को उठा के लेके चलने लगा तो लोग कहना अरे साहब ये बेचारा अपनी जान दे के बचाया है, उठा के उधम सिंह को भी लाद लिया ले गया घर अपने सेठ। अरे उधम यारे खाक का भाई ने दवाई, दवाई भाई उधम सिंह ठीक हुआ, बालकनी में बैठा हुआ है, सोच में पड़ा था कि मारे के है जनरल डायर के, आया के यहाँ साला फंस गए दूसरे काम में, अखबार पढ़ रहा है, बाबूजी फैक्ट्री चले गए, लड़की का मतारी शॉपिंग कर चले गए, अकेले घर में लड़की है, हिंदुस्तान की शिष्टता और सभ्यता है, लड़की मन ही मन उधम सिंह को सब कुछ मान बैठती है कि जान बचौला नहीं तो जिंदगी का मालिक भी यही हूं, जिंदगी जीऊंगी तो इनके साथ जीऊंगी वरना कभी मांग में सिंदूर नहीं भरूंगी। विचित्र है भाई ये, चाय का प्याला लेके आए हाय हाय रमेश बाबू, चाय का प्याला लेके धीरे धीरे गुलाबी सूट पहनी हुई वह रेखा उधम सिंह के ओर पहुंचती है और कहती है कि बिल्कुल पागल, चाय का प्याला है लेकिन चाय के ओर इशारा नहीं कर रही है, अपने जवानी की ओर कर रही है कि पीले अरे पागल,
सुराही भरा जाम है, अरे पागल सुराही भरा जाम है पीर पागल, अरे पागल सुराही भरा जाम है। ओढ़निया हटा दो, घर में कोई है नहीं, यहाँ तोड़ के कहलस कि मेरे पहलू में, अरे मेरे पहलू में मधुशाला तमाम है, मेरे पहलू में शराब शराब नशा ना करी, उधम सिंह का है लड़की, ए हटो 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 हटो, कहाँ हटा बथुआ, खाना परोसल हो पगला मत, वो आदमी रहल मर्द रहल ओकर एक टारगेट रहल, ऐसन ऐसन मर्द अगर रह वहां धन धर्म ले देरी ना, कह के मौका नहीं दिया, वो पहले खुदा खड़ा हो जी, हाँ का तब बिना, लड़की कहती है कि बिना प्यार का, अरे बिना प्यार का, बिना प्यार का कोई जीवन नहीं है, लाख रुपए का भाव है कि बिना प्यार का कोई जीवन नहीं है, प्यार भरी जिंदगी का दुनिया में नाम है। ए लड़की, उधम सिंह कहा कि जाम जबरी पिलाना बुरा है, अरे बिना बुलाए पिलाना बुरा है, लड़की तीर हरदम चलाना बुरा है, अरे चूक जाए निशाना बुरा है, क्या लाई है का जाम, उधम सिंह कहा आंखों में खून उतर गया, का कहा जाम कैसे पिलाएगा वो पागल, की खून कब प्यासा हुआ है, जलते दिल को जलाना बुरा है, इश्क में डूब जाना बुरा है, लड़की गलत जगह एंट्री मार रही है, नंबर एंगेज है, कहीं एंगेज मतलब नहीं समझ ली, मेहरारू का सबसे बड़ा हथियार मर्द के सामने सबसे बड़ा हथियार, गंगा जमुना बढ़िया ये लगी, जब रोवे शुरू करी हाँ तो केतनो पत्थर दिल मर्द रही पसीज तो जैबा करी, थोड़ी बेले चुप कराई थोड़ी जैसे बताऊ हाँ कैसे अचरा लपेट ली मेहरारू, अरे मई तो कम बोल रहा हूँ, बहरे सोच में जब मेहरारू जाली वहां तक की बात बतावन गई, मामूली गई या थोड़ो हूँ, गंदगी से गंदगी, श्री सुरेंद्र यादव जी अनपरा के धरती से और रामचंद्र जायसवाल कुलडुमरी डिबुलगंज से, ग्राम प्रधान जी 500 रुपए पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम सब इनके प्रणाम बा, अरे लड़की पागल मत बन चली जा, बस रोवे लगल बढ़ जा, ए भैया शांति रहे 5 मिनट दिखा भी रहा का मेन भाव हो, बोला ला लोगन की काम खराब भयल, लड़की या पकड़ लल सो गोड़वा उधम सिंह के रोवत बा देखा वीर रस के विराह में दुई लाइन करुण रस हो, सयारी कह कि नहीं आके जन तोड़ा गवार पिया, जीवन बना ला करा हमसे शादी, अरे तिरिया दिल पर ना छोड़ा हमार पिया, चाहती है क्यों रो रही है, लड़की कहा हमसे शादी करिए, शादी
अरे पागल लड़की मेरी शादी हो गई है, कहे गलत गलत। सवेरमा बाबू जी पूछलन की बियाह भइल तो कहला नहीं, माई पूछल सझवा के शादी भइल तो कहला नहीं, और वही हमसे कहते शादी हो गई, कहे शादी हमार हो गई हो, क्या कहा मास्टर। अरे जवानी जिसकी पागी बन गई, हाँ जवानी जिसकी पागी बन गई, बाधा सर्प का फना है उधम सिंह बैरागी। अरे बैरागी, ए लड़की खामोश, मेरी शादी हो गई है, मेरी दुल्हन का नाम जानना चाहेगी, कहे हाँ, कहे के हमार दुल्हन उधम सिंह बतावत हो, देखा तीन तीन फैक्ट्री बा, घर बा, द्वार बा, तनको नरम दिल का कच्चा आदमी रहत तो वह फट से पलट के अपन नई जिंदगी शुरू कर देते, लेकिन सीने में 2500 लोगों की मौत आंख में नाच रही है, बदला लूंगा तो लूंगा। ऐसे दिल संकल्पित लोग देश को आजाद करवाए जहां आप खड़े हैं ये धरती, हम उनके कर्जदार हैं, कई बार जन्म लेके भी हम वो कर्ज नहीं भर सकते, हम हो आप हो, आप हो चाहे पूरा हिंदुस्तान हो। इसलिए उधम सिंह कहा कि मेरी शादी हो गई है लड़की, मेरी दुल्हन का नाम सुन ले, क्या कहा। शादी हो गई है, लंदन जाना है मुझे, बने मरे करा भैया, लंदन जाना है मुझे, डायर को मारना है और उसके बदले में हमें फांसी होगी, वही मेरी दुल्हन है, आखिरी रात, जिंदगी की आखिरी हसीन रात उसके पहलू में सो जाऊंगा, वही मेरी दुल्हन है। लड़की समझ गई, आए हाय हाय हाय, मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती हमसे हो रही थी, आजादी के दीवाने को मैं अपने जुल्फों में बांधना चाहती हूं, अब तो और भी इज्जत बढ़ गई तुम्हारे प्रति यार, तुम तो आजादी के दीवाने हो, तो लंदन जाओगे कहे हा, डायर को मारोगे कहे हा, तो तुम्हारी दुल्हन फांसी उसी के साथ आखिरी सो जाओगे, हसीन रात हसीन बाहों में कहा हा, कह जाए बदे पैसा नहीं है, कह नहीं, मुंह बना देला, अरे शादी मत करो, सच्चा दोस्त तो बना लो, मदद कर दूंगी। हाथ जोड़ के उधम सिंह खड़ा हुआ कि रेखा इतिहास के पन्ने में कहीं एक जगह तेरा नाम लिख दिया जाएगा, मदद कर मदद कर। 2500 लोगों का खून मेरे कलेजे को रोजाना झकझोर देता है रे पगली। मैं अब अगर तू मदद नहीं करेगी तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मर जाऊंगा, नहीं धरती पर जिंदा कहे मदद करूंगी। शाम को धनपत राव सेठ हैलन है, खाना सबके सामने टेबल पर निकलल, और वही लड़की कहती है बाबूजी बाबूजी, कहा हाँ, कहा मैं लंदन जाना चाहती हूँ, कहे लंदन क्यों, कहे टूर पर, बड़े बाप को बिटिया, कहे बेटी अकेला नहीं, अकेले नहीं जाते हैं, जमाना ठीक नहीं है, का नहीं ये मेरा फ्रेंड है ना, का फ्रेंड कौन, का ये तो करे मुहा पत ना कहलन, ले जाके अपने मेहररुआ से कहलन कि कल्हिया समुंदर में से छनलस, आज इनका फ्रेंड हो गल, ओरे ले जाके गलत बैंड धरा दलस, तो हमन तो रोता रह जा, एक कया एक लकड़ी ये पागल लड़की के समझावा, लेकिन औलाद के जिद के आगे एक भी नहीं चली, पैसा रुपया लेके पासपोर्ट वीजा बनवा के एयरपोर्ट पहुंचा के फ्लाइट पर ले जाके बैठा देलन, कहां जा उधम सिंह से हाथ जोड़न के तनी इनका ख्याल रखिया, कुछ दिमाग का कम भी है, जहां ना जाए कोई जार बधाई जालिन, कहीं समुंदर में बोर्डर लेके दौड़े लगी,
कहे आप चिंता मत करी, हम पहले मर जाबे करे बाद नहीं ना कुछ होई। भेजलन है तो भाव जरा लंदन की तैयारी करता है। चले भाई दाऊद हम सिंह अतोड़ी कैसा नहीं संगवा मेरे खा चलली बन के मददगार। अरे लंदन में आके दोनों कर लयानावा फोटो स्टूडियो खोला है सत्तार। लंदन में आया दोनों राय करते हैं, एक रेंट पर दुकान लेते हैं किराए पर और फोटो स्टूडियो खोल दिए। 15 दिन बीता है, एक दिन पेपर आया, पेपर वाला सुबह पेपर दिया और पेपर जब देखलस है तरे खवा कहलस का मास्टर आता ये कदी ना पाला या कबार बना जारिया। ए भैया ये कदी ना पाला या कबार बना जारिया। अरे मीटिंग में जाएगा टायर मिलन समाचार बिरहा। 3 मिनट हो, 3 मिनट में मेन भाग हो। अंग अंग सिंगार सजाती है। पता चला है कि बगल के ग्राउंड में कल जनरल डायर का स्वागत है। अंग अंग सिंगार सजाती है और शॉर्ट पश्चिमी सभ्यता वाला कपड़ा, शॉर्ट कपड़ा पहन के और पट्टा पंजाबी उधम सिंह, पगड़ी में रिवाल्वर। कुछ लोग कहन के बुक में रिवाल्वर लिया था लेकिन प्रमाण मिलता है कि पगड़ी में रिवाल्वर लिया था, चाहे जो भी हो लेकिन पगड़ी में रिवाल्वर लेकर के और रेखा के पीछे पीछे उसका सिक्रेटरी बन गया है। जा गया गेट पर, अंग्रेज पूछ रहे हैं कैसे। पत्रकार दीर्घा की तरफ हाथ दिखाती है, कैमरा वैमरा ले नहीं हो छोड़ दिया तो ले उधम सिंह के रोक देना तो छाती बात लगा के। लड़की धीरे से जाके थे सिपाही, अंग्रेजी सिपाही के जाके जो तो बदन पर हाथ रखलस तो हटा ले हाथ का, हर जगह छूट हो। अंदर गए पत्रकार दीर्घा जोन हो वही में जाके बैठ गए एकदम सबसे आगे। अनाउंसर आया, अनाउंस करने लगा कि कुछ ही देर में जनरल डायर साहब का भाषण होने वाला है, आने वाले हैं। तब तक धम 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 बाजा बाहर बजा और अंदर स्टेज की तरफ बढ़ता हुआ दिखा जनरल डायर। पट्टा पंजाबी चला गया है 11-12 साल पीछे, सोच रहा है जलियान वाले बाग का किस्सा यही था और यही इसके खूनी हाथ थे। खड़ा हुआ माइक लेकर के जनरल डायर आवाज देने लगा कि मेरे देश के लोगों, तुम्हारा सामने वही जनरल डायर खड़ा है जो हिंदुस्तान में जाकर के जलियान वाले बाग की धरती को खूनों से रंग दिया था। ऐसा कोई अंग्रेज हुआ तो बताओ। अरे खबा के हुनियावत थे कहे अब का ताकत हुआ मारा कच से उलट जाए कि पट्टा पंजाबी पगड़ी पर हाथ लगौले हो, कलेजे में गुस्सा है और लेके रिवाल्वर खींचत हो तो कैले से कहा। अरे तल्ला ही क्या रिवाल्वर तब पट्टा ला लगा रे भैया ला रिवाल्वर तब पट्टा ला लगा रे चला चला गोली ये क्या हालत चला भैया चला चला गोली ये क्या हालत। लेकर के पट्टा पंजाबी रिवाल्वर खड़ा हुआ आवाज दिया भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, कह के ठाए ठाए मरलस 3 गोली मम्मा पसर गिल। दौड़लन कुल अंग्रेजी सिपाही पकड़ो 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 पट्टा पंजाबी हंस के कहा ये मेरी रिवाल्वर है और ये पट्टा पंजाबी है। लग गई हथकड़ी, मुकदमा चला, बड़ी बहस हुई, गुजरने लगे गवाह।
जज बैठे हुए हैं, बात शुरू है। माय लॉर्ड पूछिए, हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारी के सीने में इन्हें इसने गोली मारी है, पूछिए क्यों। सबसे पहले जस्टिस ने पूछा, जज ने पूछा, जवान तुम्हारा कोई वकील है? कहा नहीं, पट्टा पंजाबी अपनी वकालत खुद करेगा। कहा इजाजत है। सवाल किया वकील की, पूछिए हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारी के सीने में गोली इसने क्यों मारा? जवाब में पट्टा पंजाबी ने कहा, तो तुम्हारे क्यों का जवाब मुझे क्यों से देना होगा? मैं भी जानना चाहता हूं कि जलियान वाले बाग में 2500 निर्दोष लोगों के सीने में गोली इसने क्यों मारा है और क्यों। का तुम जानते हो, वो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के आला अफसरों का फरमान ऐलान था, जाओ जाकर के हिंदुस्तान में ऐसी दहशत फैला दो क्या हिंदुस्तानी फिर बगावत करना छोड़ दें, क्रांति की आग भड़काना छोड़ दें। पट्टा पंजाबी कहा, तो जमान बंद करो, तुम्हारे देश के आला अफसरों का फरमान और ऐलान था, तो हमारे देश के क्रांतिकारी नौजवानों का कहना था कि जलियान वाले बाग के खूनी को घुस करके उसके घर में गोली मार देना बेटा। सो मैंने किया। जानते हो इसकी सजा क्या मिलेगी? का यस, फांसी। इससे ज्यादा क्या दे सकते हो? जज कलम तोड़ दिया, कहा लटका दो फांसी पर जाकर। देखा श्री बाबू प्रहलाद सिंह, सिक्योरिटी गार्ड, आप और आपकी ओर से ये 100 रुपए पुरस्कार। बहुत बहुत प्रहलाद भैया प्रणाम, सब इनके प्रणाम हो। लेकिन बिरहा का मेन पॉइंट हो, सुबह 11:30 बजे फांसी पर चढ़ना है। सुबह उठा, नहाया धोया और गुरु ग्रंथ निकाल करके पढ़ा और आते हैं पूछते हैं दरोगा, क्या पूछते हैं मास्टर? दो मिनट के बाद जेलर पूछा, उधम से अंतिम इच्छा कहो दीवाना, नहला धोला दिए हैं, ले जा रहे हैं फांसी की तरफ। कहा अंतिम इच्छा बताओ, तो क्या जवान कहा? अरे मेरा इच्छा कि राखी बस तो हिंदुस्तान पहुंच जाना, करबर खासे की दूरी मुहूर्त कहिर। रेखा मेरी दोस्त, उसी से मिलने की आखिरी तमन्ना है, 2 घंटे का वक्त है। फट से गाड़ी उठी और लेकर के पहुंचे। रेखा को गाड़ी में बैठा के लेके आए अंदर जेल में। उधम सिंह खड़ा था, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी और पूरे शरीर में लोहे की जंजीर लगी हुई। आकर के रेखा खड़ी हुई, आवाज दिया एक संतरी कि तुमसे कोई मिलने आया है जवान? कौन हो सकता है? रेखा होगी। जनाब तक एकदम सोना चांदी के गहना से लदल हो, झमाझम एकदम, पांव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, पट्टा पंजाबी आकर के और पकड़ लिया जो शिकंजा लगा है। खड़ा हुआ रेखा, वर से आंखों में आंसू भर के आती है। पहला वाक्य रेखा का यही रहा कि मंजिल आपकी आपको मिल गई। आंखों में आंसू है, सीने में दर्द है। एक बात कहती है कि मैं कुछ मांगना चाहती हूं आपसे। पट्टा पंजाबी की आंखों से आंसू गिरने लगा और कहा कि आज तक कभी रोया मैं नहीं था पगली। 2500 लोग मारे गए जलियान वाले बाग में, पत्थर हो गया था मैं, लेकिन तेरा यह प्यार, तेरा यह प्रेम, तेरा यह समर्पण देख करके मेरी आत्मा भर उठी है। क्या मांगना चाहती है? जान मत मांगना, जान किसी को दे दिया हूं, जान छोड़ के और कुछ चाहिए तो मांग ले। आंखों में आंसू लेकर के वह कहती है, हिंदुस्तान की बाला
कि ढेर कुछ ना चाहिए, हम तोरे बीच में अड़ंगा न पड़ब। तुहार दुल्हन फांसी हो कहे हाँ, कब वही अपने फांसी दुल्हनिया को सौवत हमें बना देता। पीछे हट गया पट्ठा पंजाबी, लड़की तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, दिमाग खराब है तेरा, पहाड़ जैसी जिंदगी तेरी खड़ी है पागल, शादी करके अपना घर बसा लेना। अरे अभी मेरे माँ मेरे हाथों से अपने मांग में सिंदूर भरवाएगी, दो घंटे बाद विधवा हो जाएगी। लड़की कहती है जमान पर लगाम रखिए, कौनो कायर कपूत भड़ुआ का मेहरारू बनले से नीक हो, कौनो कायर कपूत भड़ुआ का मेहरारू बनले से नीक हो कि एक शहीद का विधवा बन के अपन जिंदगी बिता ले। शादी नहीं करना चाहती, आपके नाम पर जीना चाहती हूं। टूट गया उधम सिंह, बहुत रोया, चीर करके दाहिना अंगूठा रेखा के मांग में सिंदूर खून का भर दिया और कहा कि इस जन्म में तो हम मैं तेरा नहीं हो सका, लेकिन ऊपर वाले से अगर भगवान पूछिया कोनो नीक काम के बदले में का चाही तो ये रेखा तो के अपन दुल्हन न मांगब, यह मांगब को रेखा का बेटवा बन के पैदा हो के फिर भारत में क्रांति का आग भड़का दे। अमर ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन रेटा की ओर से, अच्छा अमर ग्रुप की ओर से ये पुरस्कार, चरणों में प्रणाम, सभ्यन के प्रणाम हो। ग्रुप बिहारी गुरगाइस गुरु राम लाल ललकारे पचन कहता कभी चंद्रिका दास सबको, जवानी जिसकी बागी बन गई राम दा बीजा लाल हां दास भक्त भावना दी, जवानी जिसकी बागी बन गई। आवे के मां एक तीन मिनट के गीत भोरहरी की, जल्दी से नंबर दूंगा, एक नई गीत आपके लिए तैयार कर रहा हूं, कल महुआ चैनल पर बिहाने बिहाने के कार्यक्रम में आप लोगों के ही गीत 2 तारीख की हमरे आवाज में सुने के मिली। 5 मिनट के गीत बा, 5-4 अंतरा के बाद बैठ के सुन के ओकर बाद उठ बैठ आप लोग, थोड़ा सा बजा के आ जा।